नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ औद्योगिकरण का युग। इस पाठ को हम चार भागों में पढ़ेंगे जिसमें से ये प्रथम भाग है। इस पहले भाग के दो खंड होंगे। पहले खंड में हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति ब्रिटेन में क्या थी, किस प्रकार काम गाँव और शहरों में बटा हुआ रहता था, और दूसरे खंड में कि हाथ किस प्रकार मशीनों के आने के बाद भी हाथ के श्रम की महत्वपूर्णता कम नहीं हुई और किस प्रकार वाष्प शक्ति ने हर क्षेत्र को बदल डाला। औद्योगिकरण से पहले की स्थिति जानने के विषय में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस सोच में एक समस्या है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बनने बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण बोलते हैं। जिस तरह आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 18वीं सदी में भी गांवों में कताई का काम होता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारे सौदागर शहरों से गांवों की तरफ चल बसे। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। गाँव में गरीब कष्टकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉम्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेरिया, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन इनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। और इस प्रक्रिया से जरा सौदागर शहरों से गाँव की तरफ चल दिए। इस प्रक्रिया के कारण गांवों और शहरों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहर में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड को कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। उससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फूलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन कपड़ों का फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ, जहां इन कपड़ों को ला के फिनिशिंग टच दिया जाता था और बाद में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। कारखानों का उदय 1730 से शुरू हुआ। 1730 के दशक में इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना खुला, लेकिन इनकी संख्या तेजी से 18वीं सदी के आखिर में ही बढ़ी। किस प्रकार 18वीं सदी में इनकी संख्या बढ़ी, वो हम इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में कपास का आयात, ये कपास मुख्य रूप से एक प्रतीक था एक नए युग का, औद्योगिकरण के युग का। 19वीं सदी के आखिर में कपास का उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात भरकर 220 लाख पौंड हो चुका था। रिचर्ड आकवाइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। इस मिल में अब सारा काम एक छत के नीचे आ जाता था, जहां पर उसकी सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में होती थी। उसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। उत्पादन के जो चरण होते हैं वो मेन तीन होते हैं, कार्डिंग, ऐंठना व कताई व लपेटन। जो उद्योग आए, ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने परंपरागत उद्योगों की इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल दिया। ऐसा नहीं हुआ, ये उद्योग धीरे धीरे ही अपनी स्थिरता को बनाने की कोशिश किए। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी में भी जो कारखाने थे वह मुख्य रूप से मजदूरी काम करते थे। मशीनें और औद्योगिकरण उतने ज्यादा पैमाने पर नहीं पाया गया था। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फूलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक
इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी गई। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को इतनी आसानी से हशिये पर नहीं ढकेल। इतना भी नहीं, 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। बहुत क्षेत्रों में साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों की वजह से तरक्की हुई। ये क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्र थे। प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी और सौदागर व व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कदम रखते थे। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन को में सुधार किए और 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ऐसा 19वीं सदी में ही हुआ कि इन इंजनों की संख्या तेजी से बढ़ी और ये इंजन हर जगह पाए जाने लगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हाथ के श्रम की महत्वपूर्णता मशीनों के आने के बाद भी खत्म नहीं हुई। वाष्प शक्ति किस प्रकार हर क्षेत्र में पहुंचने लगी थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि आप इन चित्रों से देख भी सकते होंगे कि मानव श्रम विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में ज्यादा ही था, कम तो बिल्कुल नहीं था। बहुत क्षेत्र ऐसे थे जिनमें श्रमिकों की मांग मौसम आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। इनके उदाहरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में किया जाता था। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। ऐसे उद्योग जिनमें काम मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता था, उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन ऐसे भी थे जो केवल हाथ से ही किए जा सकते थे। मशीनों से एक तय प्रकार किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन सारे उत्पाद ऐसे नहीं बनाए जा सकते थे। इसके उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पुंजपति वर्ग हाथों से बनी चीज की तरजीह रखते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक कर बनाया जाता था और इसलिए मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। अब हम देखेंगे कि मजदूरों की जिंदगी विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कैसी थी। इस चित्र से जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव पहुंचती थी, सैकड़ों की तादाद में लोग हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुंबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे और जाहिर सी बात है कि बाजार में श्रम की बहुतियात से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित थी। और जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता था वो पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहरों में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आए, लेकिन इससे मजदूरों के हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों में अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ
से ऊन काटने वाली औरतों इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बना गए और भी बहुत काम हुआ। इस भाग के पहले खंड में हमने देखा है किस प्रकार औद्योगिक क्रांति से पहले भी काम गांव और शहरों में बंट के होता था, एवं दूसरे भाग में देखा कि किस प्रकार मशीनों के आने के बाद भी हाथ के श्रम की महत्वपूर्णता कम नहीं हुई एवं किस प्रकार वाष्प शक्ति ने हर क्षेत्र को बदल डाला। आने वाले सत्रों में हम देखेंगे कि उपनिवेशों में और महत्वपूर्ण रूप से भारत में किस प्रकार औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रियां किस प्रकार भारत में स्थापित हुई, औद्योगिक विकास का क्या अनूठापन था एवं जिन वस्तुओं का भारत के फैक्ट्रियों में उत्पादन हुआ उनके लिए बाजार कैसे बनाया गया। अब हम अपनी अंग्रेजी शब्दावली को समृद्ध करने के प्रति कुछ नए शब्दों को जानेंगे। प्रिस्टीन अर्थात पूर्वकालीन और अछूत, इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं। द इनसाइड्स ऑफ द पिरामिड्स आर प्रिस्टीन, अर्थात पिरामिडों के अंदर के हिस्से पूर्वकालीन अथवा अछूत हैं। स्निफ अर्थात सूंघना, इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं। द डॉग स्निफ्ड द बोन, अर्थात कुत्ते ने हड्डी को सूंघा। स्टबर अर्थात जिद्दी, इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं। चिल्ड्रन आर ऑफन स्टबर, अर्थात बच्चे अक्सर जिद्दी होते हैं। परप्लेक्स्ड अर्थात विस्मित, इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं। एवरीवन वाज परप्लेक्स्ड बाय द फॉर्मूला, अर्थात हर कोई उस फॉर्मूले से विस्मित था। धन्यवाद।